जहानाबाद में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि नगर थाना के चंद कदम के फासले पर बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना नगर थाना क्षेत्र के राजगृह होटल के पास की है। वहीं घटना के संबंध में पीड़ित व्यक्ति सच्चिदानंद प्रसाद ने कहा कि बैंक से 5 लाख रुपए निकालने के बाद वो ऑटो पर सवार होकर वापस मखदूमपुर लौट रहे थे, तभी राजगृह होटल के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने रुपए से भरा थैला छीन लिया और मौके से फरार हो गए। भाभी निकाले हैं, मेरा भाभी तेतरी देवी थी, भाभी के साथ पैसा निकाल कर जा रहे थे, लेकिन हमको मखदूमपुर पैसा लेकर के उतरना था, भाई साहब कहें कि मखदूमपुर ले आइए, भाभी को गया निकलना था, सुपर से वो गया निकल गया, इसलिए कि सुपर मखदूमपुर में नहीं रोक दिया। अच्छा। तो हमको व्यवस्था हो गया कि बस उसे जाना, बस के इंतज़ार किए, बस नहीं मिला तो हम टेम्पू से सोच हो गए। टेम्पू से जाने के दरमियान में झोला में हम लिए हुए थे, इस तरह से हम झोला को रखे हुए थे पकड़ करके, और उधर से पल्सर से आया और सीधे झोला को एकदम धर लिया, धर के हम देखिए इस तरह से पैसा रखे, ऊपर दिखाइए झोला को, जो इस तरह झोला को जो इस तरह से खींचा ना, इधर से कवर गया झोला, वो लेके निकल गया मेरे हाथ में। कितना पैसा था? 5 लाख। कहाँ पे घटना घटी है ये? आपको गुमती जो है कोट गुमती, उससे आधा किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप से। क्या पिस्तौल दिखाया था अभी आप लोग को? नहीं, पिस्तौल तो दिखाने का मौका ही नहीं मिला, वो जब खींचा तो खींचने के बाद में और चलते, हालांकि लड़का है वो अति किया, उसको कस के डपटा, हम भी ऐसे धरने के लिए सोचे, लेकिन तब तक ही कबड़ गया भागने में। बाइक से था वो लोग? बाइक से था। कितना आदमी था? नंबर नहीं था। कितना आदमी था वो लोग? 2 आदमी। यहाँ से कितना पैसा निकालना था आपको? 5 लाख। तो क्या लापरवाही है इसमें बैंक मैनेजर का, क्या बोल रहे? अब तो हम ट्रांसफर करने के लिए बोले, कई एक जगह रिक्वेस्ट भी किए कि हमको खाता ट्रांसफर कर दीजिए, इन्होंने बताए कि नहीं, इसे खाता ट्रांसफर चेक रहेगा तब होगा, हम कि चेक इनका नहीं है, हमारा चेक है, हमारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम चेक कहीं किसी को जरूरत अनुसार देते रहे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही SDPO अशोक कुमार पांडे नगर थाना की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक व्यक्ति जो है वो लोन लिए थे और अपनी ही पत्नी को ट्रांसफ़र किया था उन्होंने, पत्नी दूसरे को लेके आई थी और बैंक से वो जा रहे थे तो टेम्पो पे कोई उसका बैग छीन लिया, बैग खींच लिया उसका। अच्छा, कितना पैसा था सर? तो बता रहे हैं कि 4-5 लाख रुपया था, यहाँ से हम लोग कंफर्म कर रहे हैं अभी। कहाँ पे घटना घटी थी? बाईपास में, उधर गुमटी के पास में, वो बता रहे हैं कि टेम्पो में बैठे हुए थे, झोला खींच लिया। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे अभी? ये अपने घर जा रहे थे, टिकारी। बैंक की लापरवाही है? नहीं, ये सिस्टम हम लोग जाँच कर रहे थे, जो उसमें वो आइदर और सर्वाइवर का जो बैंक का होता है, तो वो व्यक्ति जिनकी पत्नी थी वो अपनी ही पत्नी को ट्रांसफ़र क्यों कर रहे थे, तो उनके नाम से कोई चेक इशू नहीं था, तो मैनेजर साहब ने बताया कि वो महिला जो है वो अंगूठा छाप है, तो हम लोग उस एंगल को भी देख रहे हैं। क्या लग रहा है अभी तक सर? क्या लग रहा है? देखिए, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पति ने पत्नी को ट्रांसफ़र किया और पत्नी ने निकाला, क्यों निकाला? यदि किसी को देना था तो पति भी ट्रांसफ़र कर सकता था, फिर कह रहे हैं झोला ले लिया है, तो हम लोग देख रहे हैं उस एंगल को, हम लोगों ने केस दर्ज कर लिया। क्या रहा सर कुछ CCTV फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई आदमी इनको रेकी तो नहीं कर रहा। दिन दहाड़े हुई लूट की इस बड़ी घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस बैंक के CCTV फुटेज और घटनास्थल के पास लगे CCTV के फुटेज को खंगालने में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।